नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में आप देखे थे खूबसूरत छिटकुल, देखे थे सांगला का कामरू फोर्ट और देखे थे हमारा सांगला से टाबो यात्रा। साथ ही देखे थे मिसमराइजिंग काजा, काजा का छिछाम ब्रिज, किब्बेर गांव और की मोनास्ट्री। जो ये वीडियो नहीं देखे वो इसे आई बटन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक पे क्लिक करके ज़रूर देखे। जो भी हो, आज 24 अक्टूबर इस वीडियो में हम देखेंगे काजा से कल्पा का यात्रा और कल्पा का सब खूबसूरत डेस्टिनेशन। नाको इस एपिसोड में नहीं, नाको देखेंगे आने वाली एक अलग एपिसोड में। दोस्तों, एक चीज़ हमने नोटिस किया कि आप लोग ना वीडियो देख के वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं, इसीलिए आपको रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे ज़रूर लाइक करें और शेयर करें दोस्तों के साथ। कोई सवाल है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। काजा से कल्पा का डिस्टेंस है 203 किलोमीटर। कुछ लोग पहले कल्पा घूम के फिर चले जाते हैं स्पीति वैली की तरफ, फिर स्पीति से चले जाते हैं मनाली, कुछ लोग उल्टा भी करते हैं। लेकिन हमारा ट्रिप राउंड ट्रिप नहीं था, इसलिए काजा घूम के लौटने के टाइम हमने किया कल्पा। अगर आप हमारी तरह अक्टूबर में आएंगे तो कुंजुम पास बंद भी हो सकता है, तब आप ना चंद्रताल कर पाएंगे, ना स्पीति से मनाली या मनाली से स्पीति आ पाएंगे। चंद्रताल घूमने का बेस्ट टाइम है सितंबर महीना। कल्पा पहुंच के हमारा पहला काम था होटल ढूंढना। इस सीजन पे यहाँ ज्यादा लोग ना रहने के कारण होटल ढूंढने में दिक्कत नहीं आया। यहाँ हमारा कोई बुकिंग नहीं था तो कुछ जगह देख के पसंद आया होटल मोनाल रेसिडेंसी। इस होटल का घर भी अच्छा था और बजट फ्रेंडली भी था। हर दिन का किराया था 1500 रुपये। कल्पा में दो टाइम का व्यू बहुत बढ़िया है। इनमें एक है भोर, पहाड़ के पीछे से जब सूर्य उठता है तब पूरा आसमान को धूप से नहलाकर पहाड़ के पीछे से किरण निकलता है। हम लोग बेडरूम का बेड में बैठ के ही देख रहे थे वो खूबसूरत नज़ारा। वो भी क्या खूबसूरत नज़ारा था। खैर, सूर्योदय के साथ साथ हमारा दिल भी बाहर घूमने के लिए बेचैन हो रहा था। हम लोग अपार कल्पा में थे तो ऊपर से नीचे कल्पा अद्भुत लग रहा था। पैदल चलते हुए नीचे आने के टाइम सुबह का कच्ची धूप में कल्पा को अद्भुत सुंदर लग रहा था। द व्हाइट कैसल कल्पा होटल की खिड़की से दिखता हुआ मंदिर का रूप बहुत ही बढ़िया लग रहा था। द व्हाइट कैसल कल्पा होटल लोअर कल्पा में नारायण नागिनी मंदिर जाने के रास्ते में स्थित है। इसका घर थोड़ा कॉस्टली है पर यहाँ का मैनेजमेंट बहुत ही बढ़िया है। आपके सुविधा के लिए इसका कॉन्टैक्ट दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स और प्रिंट कॉमेंट में। दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे आपके उंगली से एक लाइक जरूर करें और मन में कोई सवाल रह गया है तो कमेंट करना ना भूले और वीडियो को शेयर करें दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूले। जो भी हो, नारायण नागिनी टेम्पल बहुत ही खूबसूरत है और ऊपर से कल्पा गांव का व्यू और इसके पीछे खड़ा किन्नर कैलाश पहाड़ खूबसूरती का बढ़िया उदाहरण है। आज हमारा पहला डेस्टिनेशन था कल्पा का नारायण नागिनी टेम्पल और रोगी विलेज। और शाम को होटल का बैल्कनी से जो सूर्यास्त का नज़ारा हमें दिखा वो हमारा यहाँ का बेस्ट एक्सपीरियंस था। पर पहले कल्पा में हमारा पहला डेस्टिनेशन था सुइसाइड पॉइंट। सुइसाइड पॉइंट कल्पा का बहुत ही खूबसूरत और मोस्ट पॉपुलर डेस्टिनेशन था। रास्ता से पहाड़ी का गहराई 300 मीटर या 1000 फुट का है। यहाँ से अगर कोई जंप देगा तो उसका बचना नामुमकिन, इसलिए इसका नाम है सुइसाइड पॉइंट। लोगों का भीड़ और फोटो खिंचाने का हड़बड़ इस स्थान का पॉपुलरिटी जताता है। सुइसाइड पॉइंट के सामने खड़ा हुआ किन्नर कैलाश का रूप दिल में एक अद्भुत आनंद का एहसास दिलाता है। 2700 मीटर ऊंचाई पर खड़ा रोगी विलेज के करीब स्थित ये पॉइंट किन्नर कैलाश का खूबसूरती का एक नज़ारा है। सुइसाइड पॉइंट देखकर हमारा अगला डेस्टिनेशन था रोगी विलेज। रोगी विलेज के आगे हमें दिखाई दिया सेब की खेती। पास वाले दुकान में वही सेब का बिकवाली हो रहा था। वो किन्नरी एप्पल जब हम खरीदने गए तो दुकानदार
13 केजी पेटी का कीमत लिया 900 रुपए। किन्नरी एप्पल का स्वाद उसका तो क्या ही कहना। टोटल 40 ग्रीन एप्पल था पेटी में। आने वाले 3-4 दिन के लिए वो काफी था हमारे लिए। रोगी गांव घूमते हुए जो हमारे दिल को छू गया वो है एक टेम्पल। जरा गौर करें कि यहाँ का हर एक टेम्पल में ही लकड़ी के ऊपर डिजाइन किया गया है। लकड़ी के ऊपर डिजाइन पूरे हिमाचल का ही एक विशेष आर्ट है। भारत का भिन्न भिन्न स्थान पर पत्थर के ऊपर मंदिर कला नागाड़ा द्राविड़ा भेसारा स्टाइल में बनाया गया है, वैसे ही हिमाचल और उत्तराखंड में मंदिर का लकड़ी के ऊपर अंकित किया गया है देव देवियों का मूर्ति और इंसान का जीने का तरीका। रोही गांव और गांव के मंदिर घूमने के बाद हम रवाना हुए प्रधान मंदिर की ओर। कल्पा का ये रास्ता इतना खूबसूरत है कि यहाँ का छवि दिखता है बहुत सारे घरों के दीवार पर। कल्पा का पहाड़ी छवि इतना खूबसूरत है कि अपने आप ही वो दिल पे घर कर जाता है। किन्नर कैलाश के ऊंचे पहाड़ों के ऊपर बर्फ और छोटे पहाड़ियों के ऊपर जंगल एक अद्भुत मिश्रण तैयार करता है। ताबो या काजा में प्रकृति जहाँ सूखा है, वैसे ही यहाँ हरा पहाड़ियों के साथ शिखर का बर्फ यहाँ के खूबसूरतियों को एक अलग ही लेवल देता है। हमारा अगला डेस्टिनेशन था कल्पा का प्रधान नारायण नागिनी मंदिर। छोटा जनपद के पास खड़ा पहाड़ी मंदिर कल्पा का प्रधान आकर्षण है। सुबह मंदिर को ऊपर से देखे थे, पर अभी चलिए चलते हैं मंदिर की तरफ। मंदिर प्रांगण का खूबसूरत प्रकृति दिल को देता है अद्भुत शांति। खूबसूरत प्रकृति और शांत वातावरण मंदिर का प्रधान लक्षण है। मंदिर के पास ही स्थित है कुछ सरकारी बिल्डिंग, इनमें एक है प्राइमरी स्कूल। अद्भुत लगता है कि यहाँ भी बच्चे लोग स्कूल जाते हैं ये उम्मीद लेकर कि बड़े होकर ये लोग शहर में काम करने पहुँचेंगे। पास ही एक पोस्ट ऑफिस भी है, चाहे तो यहाँ से घर पे आप भेज सकते हैं एक चिट्ठी। पूरे दिन इधर उधर घूम के हम लोग शाम को होटल की बैल्कोनी में आ पहुँचे। लक्ष्य किन्नर कैलाश पे सूर्यास्त देखना। थोड़ा थोड़ा करके फलने लगा वो सपन। दोस्तों, आपका उंगली का एक टच आपके लिए शायद उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हमारे लिए वो एक इंस्पिरेशन है। इसलिए वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे आपके उंगली से एक लाइक जरूर करें, और मन में कोई सवाल रह गया है तो कमेंट करना ना भूलें, और वीडियो को शेयर करें दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। सूर्यास्त हो चुका है, अब संध्या होकर रात की बारी। इस कल्पा में हमारा कल्पा भ्रमण भी खत्म हुआ। आज 26 अक्टूबर कल्पा से रामपुर शिमला घूम के रवाना होंगे कोलकाता के लिए, इसलिए सुबह सुबह रवाना हुए। पर यह टूर हमें हमेशा याद रहेगा, सिर्फ दोस्त के साथ बिताए पल के लिए ही नहीं, बल्कि हिमाचल का खूबसूरत नजारों के लिए भी याद रहेगा। किन्नर कैलाश और स्पीति का अपार खूबसूरतियों के लिए भी। आपके सुविधा के लिए स्क्रीन और पिंड कमेंट में दिया गया है वेरियस टाइप का गाड़ियों का कॉन्टैक्ट, पर्सन का कॉन्टैक्ट। इसके अलावा टूर का एक्सपेंडिचर और टूर प्लान दिया गया है वीडियो के लास्ट में, इसे आप गौर से देख सकते हैं। खैर जो भी हो, हम कल्पा पहुंचे नाको के बाद, फिर भी कुछ कारणों के लिए नाको देखेंगे कल्पा के बाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे ज़रूर लाइक करें, कोई सवाल है तो करें कमेंट, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूले। तो आज के लिए बस इतना ही। खुश रहे आप। धन्यवाद।